आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा ना। मैं सच कह रहा हूं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम हमेशा के लिए एक हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। मानो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। हम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी ये दिन आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। माना अर्चना, अर्चना वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। पहले भी मौका मिला था मुझे तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाया, और जब मौका मिला तो कुछ बोल नहीं पाया, और फिर कभी मौका ही नहीं मिला। अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा मायने कोई नहीं रखता। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मानव मानव नहीं है। तुम्हें पता है, मैं अपने दिल की बात कहने से कभी डरता था तो कभी मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें बता दिया। मानव, आज आपने जो मुझे सच्चाई बताई है ना, मैं भी बहुत दिनों से वही महसूस कर रही थी। महसूस क्या कर रही थी, मैं उसी की वजह से जिंदा थी। लेकिन अच्छा लगा सुनकर। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मानव, मैं भी बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आप ही के जैसी हूं ना, इसलिए। लेकिन आज कोशिश करती हूं। बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे, अपने आप से ज्यादा। मैं जानती हूं मानव, ये दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में अर्चना और मानव की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मानव की जिंदगी में अर्चना की बहुत अहमियत है, और अर्चना की जिंदगी में तो मानव क्या के कुछ है ही नहीं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। दो आम इंसानों को
एक दूसरे की नजर में सबसे ज्यादा अहम बना देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं तुमसे कुछ कहकर, तुमसे कुछ सुनकर। सच कहता हूं अर्चना, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसे अपने दिल की बात जरूर बतानी चाहिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, है ना? मुझे अपने आप को मानव की जिंदगी से दूर रखना होगा। मैं जितनी उनमें उलझती जाऊंगी उतनी हम दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी और मैं फिर से बीती बातों को दोहराना नहीं चाहती। नरमेश, आपकी चाय। थैंक यू। एक बात पूछूं तुमसे? अगर ना कहूंगी तो पूछे बगैर रहोगे क्या? हाँ वो भी है। ऐशु, मुझे अर्चना और मानव के बारे में जानना है। देखो ऐशु, मैंने आज तक कभी तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा, बस जितना तुमने बताया उतना सुनकर रह गया। लेकिन अब मुझे जरूरत महसूस हो रही, मुझे लगता है कि मुझे उनके बारे में जानना जरूरी है। मेरी मुलाकात करवाओगी उन दोनों से? अर्चुता और मानव जी जो, they are like made for each other। बस उनकी बदकिस्मती यही थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बनने के बावजूद एक दूसरे के लिए साथ नहीं रह पाए। दुनिया में ऐसे लोग भी होते? अगर मानो जी जो और अर्चुता हमारी जिंदगी में नहीं होते थे ना, तो आज मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी। यकीन मानो धर्मेश, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा सारे वाक्यात मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। अर्शु, प्यार तो मैंने भी किया है, लेकिन ये कुछ अलग है। आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में पढ़ा था ऐसे प्यार के बारे में, आज पहली बार देख भी लिया। अशु, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान की कोशिशों से बड़ी होती है उसकी किस्मत। उसकी मर्जी ना होना तो ना को हाँ और हाँ को ना में बदलने में देर नहीं लगती। एक बात कहूं धर्मेश, मानो जीजू और रचना ताई ने तो उनकी किस्मत को भी मात दे दी।
था जो रिश्ता किस्मत ने तोड़ा, उसी रिश्ते को उन्होंने आज भी अपने दिलों में संजो के रखा है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते। दोनों एक दूसरे से दूर जरूर है, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं है। और ऐसा पवित्र रिश्ता ना ही कभी बना है और ना ही कभी बनेगा। सच में। लेकिन वैशु, ऐसे रिश्ते को समझने की और इनको जानने की मैच्योरिटी बहुत कम लोगों में होती है। देखो, हम अर्चना और मानव के जज्बातों की गहराई को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। वैशु, लाख बातों की एक बात कहूं क्या? अब अर्चना को मानव को भूलना होगा। मानव अपनी चाहतों के साथ समझौता करके श्रावणी के साथ शादी कर रहा है, तो अब अर्चना को भी अपने प्यार के साथ समझौता करना होगा। देखो वैशु, जब तक अर्चना मानव को अपने ख्यालों से, अपने दिल से निकाल बाहर नहीं करेगी, तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगी। आई नो वैशु, मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लेकिन ये बातें करना जरूरी है। अर्चना को अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढना होगा। जब तक वो अपने अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा लेती, उसे उसके अतीत से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। और अच्छा होगा अगर बहन होने के नाते तुम उसे समझा सको। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अच्युताई को कहूं कि वो दूसरी शादी कर ले और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, और उसके लिए उसे मानो जीजू को भुलाना होगा। हाँ, और ये सब तो तुम्हारी बातों से भी साफ जाहिर होता है। मतलब तुमने अब भी मानव को मानव जीजू कहकर बुलाया। वैशु, जब तक अर्चना की जिंदगी में कोई और नहीं आ जाता, तुम्हारी नजरों में मानव की जगह वही रहेगी। यही बात अर्चना के लिए भी तो लागू होती है ना। अरे मानव, चाय तो पी के जा, बैठ ना बेटा, बैठ। श्रावणी, चाय ला जल्दी। चाय पिए बिना ही निकला था। लिपि, आप नौकरी कब छोड़ रहे हैं? आपने और अर्चना ने मुझसे जो कहा, मैंने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका और उसका एक साथ काम करना बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हर मिनट हजार बार मरना मुझे मंजूर नहीं है। मानव, आपने मुझसे एक झूठ बोला, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन इसके बदले मैं आपसे इतनी सी उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मैं आज से कोई दूसरी नौकरी ढूंढता, और जैसे कोई मिल जाएगी मैं ये वाली छोड़ दूंगा। से ये घर छोड़ कर गया था, तब से लेकर आज तक रोज यही सपना देखता रहा कि कब अपने घर में लौट कर वापस आऊंगा। आज जब ये सपना पूरा हुआ है, तो इस हालत में लौट कर आया हूं, मेरे अपनों के ऊपर बोझ बनकर। बाबा, अपनों की जिम्मेदारी को बोझ का नाम देकर उसका अपमान मत कीजिए।
एक बात कहूं, आपके मुंह से ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तो कितने जिंदा दिल इंसान हैं, खुद हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। अरे आपकी तरफ देखकर तो हमने जिंदगी जीने का तरीका सीखा है, और अब अगर आप ही हार मान गए तो फिर। बहुत दिनों के बाद इस घर में वापस आए हो तो थोड़ा जज्बाती हो गया। जब मेरा परिवार मेरे साथ में है तो मैं कब हार मानने वाला हूँ। जब तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या है वो? जो कुछ भी मुझे खाने पीने में पसंद है वो सब बना के खिलाना पड़ेगा, लेकिन अपनी सास की तरह नहीं। ये नहीं खा वो मत खा, कोई पाबंदी नहीं चाहिए। आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे तुम्हें कोसने का मौका मिल जाए इसलिए तो नहीं सुधरता, अगर सुधरना होता तो 30 साल पहले सुधर जाता। काम कर रही है, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि आई यहाँ आने के बाद कोई भी काम नहीं करेंगी। लेकिन विनोद वो मैं विनोद तुम्हें मालूम नहीं कल से मंजू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने ही कहा कि घर का सारा काम मैं करती हूँ, तू आराम कर। लेकिन नहीं मैं हूँ ना। अब तू भी कितना काम करेगा, तुझे पुन्नी को तैयार करना है, उसे स्कूल छोड़ना है, और वैसे तो सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन चुका है, बस तुम्हारा टिफिन भरना बाकी है। ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? अब क्या बताऊं विनोद, इतना बॉडी एक हो रहा है ना, अरे कमजोरी सी महसूस हो रही है मुझे, फेवरेट सा भी लग रहा है, सारी चीजें एक साथ हो गई है मुझे, कितना काम करूं मैं भी। लेकिन अब घर की औरत ज्यादा समय तक तो आराम नहीं कर सकती ना, काम तो करना ही पड़ेगा, उठकर मुझे। मैं उठती हूँ। अरे नहीं नहीं मंजू तू आराम करना। अरे नहीं आई, अब मुझे ठीक लग रहा है, और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है, बहुत आराम कर लिया मैंने, आप कल से काम कर रहे हैं, अब आराम की जरूरत आपको है, आप जाकर आराम कीजिए, बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल कर करना, मैं रुचि के साथ खेलती हूँ। बहू जी है हमारे, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी महारानी झट से आराम करने के लिए। चल मंजू लग जा काम पर, और श्रवण कुमार के रहते तो मेरी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। पूरी जिंदगी कट गई लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे मैंने। अपने घर में रानी की तरह राज करती थी मैं, नौकर परोसते थे, और मैं चांदी के चम्मच से खाना खाती थी। लेकिन जब से ये कलमुई बहू बनकर मेरे घर आई है ना, मेरे यही हालात हो गए हैं। स्वतः बनवाई स्वतः गिड़ाई। आई आई आपने प्याज काट ली, सब्जी में डालना है। क्या कहा तूने? तू मुझसे कह रही है जल्दी काम निपटाने के लिए? तेरी नौकर नहीं हूँ मैं, समझे तू? मेरी स्पीड से मैं काम करूंगी, और जब होगा तब दे दूंगी तुझे, पर मुझे ये ऑर्डर वॉर्डर मत दे तू, समझे? नहीं आई, वो तेल गरम हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि। जानती हूँ मैं, तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, और अब मेरे ही घर में मुझ पर ही रोक झाड़ रही है तू। तुझे क्या लगता है तेरे भाई के पैसे से हमारा घर चलता है तो तेरी सारी बातें मैं मानूंगी? आई अब दादा को बीच में क्यों ला रही है? एक बार नहीं 10 बार लाऊंगी मैं, समझी? तेरी जुबान जो चल रही है ना, ये सब तेरे दादा का सिखाया हुआ है। एक नंबर के नालायक है तेरे मैके वाले, और वो तेरी झगड़ालू आई यू 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 करके बातें करती है। बस आई, आज तक मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की, और
जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके खुद के बुरे कर्मों का नतीजा है। इसलिए आप मेरी दादा मेरी आई को बीच में मत लाइए। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? मुझसे जुबान लड़ा रही है? अपनी जुबान को काबू में रख, काट मार शी कर ला। क्या क्या कह देंगे आप? मारेंगे मुझे? मारी। इसके अलावा आप कर भी कह सकती है? मैं अपने घर वालों के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। अरे मेरे घर वालों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? आपको तो उनका एहसान मानना चाहिए। अरे मैं क्या, मेरी जूती भी उनका एहसान नहीं मानेगी। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप अच्छा बनना नहीं चाहती, आपको बुरे बनकर ही रहना है। और आप क्या मेरे संस्कारों के बारे में बात करी थी ना, मेरे संस्कारों के बारे में? अब आज मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके खुद के संस्कार कैसे है, बताइए मुझे आपके खुद के संस्कार कैसे है? अच्छा ये हिम्मत हो गई? ये हिम्मत हो गई तो मेरे संस्कार निकल रही है? बहुत बकवास सुनी है मैंने तेरी। अब इसकी सजा तुझे भुगत नहीं पड़ेगी, समझी तू? इसकी सजा मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी, समझी तू? मुझसे कौन लड़ेगा?